हेलो व्यूअर्स, दिस इज धीरज कुमार। स्वागत है आपका इनलाइटेड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है चैलेंजेस नेशन बिल्डिंग। ये क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप इसे पढ़ोगे देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट वर द डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस आफ्टर 1947, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, और उसके बाद की चीज़ें इस पूरे बुक में हैं। और 1947 के बाद व्हाट इंडिया फेस्ड एंड व्हाट आर द डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस, वो सारी बातें हम करेंगे वन बाय वन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में। नाउ दिस वीडियो इज फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सामने एनसीईआरटी की बुक रखें और एक नोटबुक भी आप साथ में रखें। कोई भी पॉइंट अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है आप वीडियो को पॉज करें और एनसीईआरटी में अंडरलाइन करें, और अगर कोई भी पॉइंट ऐसे लगे जो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप उससे नोट डाउन भी कर लीजिए, ठीक है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एज यू नो कि ऑन 15th ऑफ अगस्त हमारा देश आजाद हो गया। ब्रिटिशर्स से 200 साल गुलाम रहने के बाद फाइनली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे 15th ऑफ अगस्त 1947। और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने, बेसिकली इस दिन नहीं, 14th ऑफ अगस्त 1947 दिल्ली के रोड रेड फोर्ट से जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच दी थी। दैट स्पीच इज फेमसली नोन एज प्राइस्ड विद डेस्टिनी। एंड द स्पीच इज लाइक दिस, जवाहरलाल नेहरू सेड, long years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we pledge to redeem our dreams। hamara desh azad ho gaya tha 1947 aur bahut khushi ka mahol tha, lekin sath mein kuch problematic bhi the because there were many challenges india faced during that time। usi challenges pe dedicated ye chapter hai। sabse pehli baat कि जब देश आज़ाद हुआ था, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स और हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनके सामने उन्होंने सबसे पहले सोच रखा था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा वी हैव टू इम्प्लीमेंट द टू गोल्स। व्हाट वर द टू गोल्स? द टू गोल्स सेट बाय लीडर्स वर फर्स्ट वन to form a democratic government, and second one to provide development or development of all sections of society, अगर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ये आता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस लीडर सेट द टू गोल्स, तो वो दो गोल्स क्या थे? तो आप बोलोगे द टू गोल्स वर टू फॉर्म अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड टू ब्रिंग डेवलपमेंट, राइट? दिस टू गोल्स, मगर ये दो गोल हमारे लीडर इंप्लीमेंट करते उससे पहले इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पार्टीशन। और सभी लीडर्स अपने इस गोल पे फोकस करने से पहले जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रॉमिस किया, व्हाट एवर द कम्स फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फर्स्ट, देन ओनली वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अदर प्रॉब्लम्स। सो दिस
were the challenges faced by the India, and this chapter is totally dedicated to that challenges which our leader faced after 1947. So what were the challenges? Now, there were the three broad challenges India faced after 1947. And the three challenges, three broad challenges. Challenges faced by India after 1947. देखो ध्यान रखना, right now the broad challenges की बात हो रही है. What were the main or the broad challenges India faced? First challenge India faced was unity and security of India. Unity and security of India. Second problem was to establish democracy, and the third challenge was well-being of all sections of society. Bracket में आप लिख सकते हो development. Basically, India faced three broad challenges. अगर आपको question examination में ये आता है, what were the three main challenges or the broad challenges India faced after 1947, तो आपका answer ये होना चाहिए, unity and security of India to establish democracy, and the third one is well-being of all section of the society. आप ध्यान रखो, इस chapter में the first chapter, the challenges of nation building में हमें इन तीन challenges के बारे में बात नहीं करना. हमें इन तीन challenges में सिर्फ एक challenge पे बात करेंगे, unity and security of India. बाकी के दो challenges के बारे में हम next chapters में discuss करेंगे. और इस first challenge के अंदर जो हमने तीन और challenges, जो main और immediate challenges हम बोलते हैं, वो हम इस पूरे chapter में discuss करेंगे. So what were the three immediate challenges India faced after 1947, so we are going to discuss here. मैं इसे हटा रहा हूं. ये पूरा चैप्टर इस टॉपिक पे है, इस चैलेंज पे है, और इसी के अंदर इंडिया faced three immediate challenges after independence. What were the three challenges India faced? What were the three immediate challenges India faced? First one is partition. Correct? Second one is integration of princely states, and the third one is reorganization of boundaries. देखो, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. जब कभी भी क्वेश्चन में चैलेंजेस पूछे जाते हैं, वो ये तीन चैलेंजेस लिख देते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट वर द थ्री मेन चैलेंजेस, ब्रॉड चैलेंजेस, तो आप वो लिखोगे जो पहले ही बताया गया. और अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट वर द इमीडिएट एंड द मेन इमीडिएट चैलेंजेस इंडिया फेस्ड आफ्टर 1947, तो ये चैलेंजेस है. इस
मेन चैलेंज के अंदर तीन सब चैलेंजेस थे, जिसमें था एक था पार्टीशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बाउंड्रीज। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दिस थ्री चैलेंजेस वन बाय वन, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओनली वन चैलेंज, दैट इज पार्टीशन। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। आप इसे नोट डाउन कर लो। नाउ द फर्स्ट चैलेंज जो हमारे इंडिया ने इमीडिएटली फेस किया था वो थी पार्टीशन। पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ व्हाट? पार्टीशन भी इंडिया में दो टाइम पे हुई थी, एक तो 1905 के टाइम पे, उसे हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो मुझे नहीं पढ़ना, जो अभी फिलहाल हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया इंटू टू डोमिनियन। द फर्स्ट वन इज इंडिया एंड द सेकेंड वन इज पाकिस्तान। एज यू नो कि जैसे हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश दो हिस्सों में बट गया, एक इंडिया दूसरा पाकिस्तान। और ये क्यों हुआ, इसलिए मैंने बोला था आपको, अगर आपको थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की पता होगी तो आपको अंदाजा लग जाएगा। हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और जिस तरीके से रिलीजन को एज अ पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया गया, इंडिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, जो मेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए, बट एट द सेम टाइम, नॉट सेम टाइम, आफ्टर सम टाइम वन न्यू पार्टी केम इनटू बीइंग, दैट इज नोन एज द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी थी जिसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एक सेपरेट नेशन की डिमांड रखी भारत के सामने, इवन ब्रिटिशर्स के सामने, और उन्होंने बोला कि इंडिया शुड बी डिवाइडेड इंटू द टू कंट्री, वन फॉर मुस्लिम एंड अनदर वन फॉर रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। और ये जो पार्टीशन हुई थी, वो पार्टीशन का जो बेसिस था, दिस पार्टीशन वॉज हैपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। रिलीजियस मेजोरिटी किस बेसिस पे हमारे देश का ये पार्टीशन हुआ था? पार्टीशन जो बेसिस थी वो थी रिलीजियस मेजोरिटी पे। मुस्लिम लीग की डिमांड थी 1940 में से ही कि इंडिया शुड बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, वन इज पाकिस्तान एंड वन इज इंडिया और हिंदुस्तान। उन्होंने बोला कि जब कभी भी अगर देश आजाद होगा, वी वॉन्ट अ सेपरेट नेशन। कांग्रेस यूजुअली अपोज दिस आइडिया, बट अल्टीमेटली जब हमारे देश को आजादी मिली या फिर आजादी की अनाउंसमेंट हुई थी जून 1947, दैट इज द 3rd of June 1947, हमारे देश के लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना एक प्लान लेकर के आया था और उनमें ये बात बोली गई थी कि इंडिया विल गेट इंडिपेंडेंस एंड द टू इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू द टू डोमिनियन, दैट इज वन डोमिनियन विल बी नोन एज द इंडिया एंड द सेकंड डोमिनियन विल बी नोन एज द पाकिस्तान। फाइनली कांग्रेस को मजबूरी में ये माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट करना पड़ा और फाइनली इन 14th अगस्त को पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया और 15th अगस्त इंडिया एग्जिस्टेंस में आया। करेक्ट? नाउ ये जो पार्टीशन हुई थी रिलीजियस मेजोरिटी के प्रिंसिपल पे हुई थी। नाउ द प्रॉब्लम, अब ये पार्टीशन हुई बट पार्टीशन भी
इतनी इजीली नहीं थी कि भैया हिंदुस्तान हो गया पाकिस्तान हो गया, नाउ इनको डिवाइड कर दो हिंदुस्तान पाकिस्तान. सम प्रॉब्लम्स वर एसोसिएटेड विद द पार्टीशन. व्हाट वर द प्रॉब्लम्स? राइट डाउन द टॉपिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड problems associated with partition. Now there are four problems briefly, और ये one of the important question भी usually examination में देखने को मिलता है कि what were the problems associated with the partitions. So there were four main problems associated with the partition. And we will discuss one by one all the problems. The first problem was the demarcation of territory. Demarcation of territories. एक-एक करके हम बात करेंगे. The second problem of the partition was not a single belt of Muslim majority provinces were there. Third problem is bifurcation of provinces into smaller region. And the fourth one is conditions of religious minorities on both sides. पार्टीशन तो हमारे देश की हो गई. माउंटबेटन साहब ने अनाउंस कर दिया कि देयर शुड बी द पार्टीशंस. कांग्रेस ने एक्सेप्ट भी कर लिया. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्रीज. कैसे पाकिस्तान और इंडिया का डिमार्केशन होगा? कौन सी एरिया पाकिस्तान में जाएगी, कौन सी एरिया हिंदुस्तान में रहेगी? प्रिंसिपल हमें पता था कि रिलीजियस मेजोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो जाएगा. वो सारी प्रोविंसेस जो जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी में होगी वो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, और जो प्रोविंसेस में मुस्लिम माइनॉरिटीज में होंगे वो इंडिया में रह जाएगा. लेकिन ये कहने की बात है, इतना इजी टास्क नहीं था उस समय, क्योंकि कोई भी एक सेपरेट एरिया, एक सेपरेट प्रोविंसेस ऐसा नहीं था जहां पे लाइक कि टोटल मुस्लिम मेजोरिटी एग्जिस्ट कर रहा हो और उनको पाकिस्तान में भेज दिया जाए, क्योंकि एक ही जगह पे वो सारी चीजें लोकेटेड नहीं थी. हम वन बाय वन करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे. आप ये चारों पॉइंट वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है? नाउ फर्स्ट पॉइंट इज द डिमार्केशन ऑफ द टेरिटरीज. कुछ बेसिक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखो. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया कुछ इस तरीके से था. इंडिया कंस्टिट्यूट्स टोटल 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे. प्रिंसली स्टेट्स थे. कुछ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे. नाउ माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंगली एंड सब्सिक्वेंटली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया गया कि जो 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, इन 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस में से जो प्रोविंस किसी भी
प्रोविंस में अगर मुस्लिम मेजोरिटी में होगा, दैट मीन्स मोर देन 50% होगा, वो प्रोविंस पाकिस्तान में चला जाएगा। करेक्ट, ये बात डिसाइड करी गई। ना प्रोविंसेस होता क्या है, आप थोड़ा सा समझने में बेसिक क्लियर कर देता हूं। प्रोविंसेस आज जो आप स्टेट देख रहे हो, सेम टाइप ऑफ थिंग, इंडिया एक कंट्री हुआ करती थी और इंडिया के अंदर प्रोविंसेस हुआ करते थे, जो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड करे थे कि प्रोविंसेस दैट विच वी टुडे लुक इन टू एज ए स्टेट, वो पहले प्रोविंसेस हुआ करती थी। टोटल जो ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर था, राइट। अगर आप बात करो, ये 55% ऑफ द एरिया, 55% ऑफ द इंडियन टेरिटरी ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंडर में थे, जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंगली इन 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस में से वो सारे प्रोविंसेस जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे वो पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे प्रोविंसेस थे, ठीक है, वो पाकिस्तान में चला जाएगा। तो ऐसे कितने प्रोविंस थे, कितने ब्रिटिशर ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जो मुस्लिम, जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी में थे, ऐसे 3 प्रोविंसेस थे, ठीक है। देयर आर द 3 प्रोविंसेस वेयर मुस्लिम वर इन मेजोरिटी। फर्स्ट था सिंध, सेकंड बलूचिस्तान एंड थर्ड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। ये तीनों प्रोविंसेस आज पाकिस्तान में है, ठीक है। बट ये दो तो यूजुअली चले गए क्योंकि प्रोविंसेस में थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ के मुस्लिम्स वहां नहीं जाना चाहते थे, और यहाँ के जो सबसे टॉल लीडर थे, टॉल लीडर जो सबसे फेमस लीडर थे, वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फेमसली फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। सो ही डिडंट वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, ही वांट टू रिमेन इन इंडिया, एंड इवन मेनी मुस्लिम्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस वांट टू रिमेन विद इंडिया, बट एज डिसाइडेड बाय द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट एंड द माउंटबेटन प्लान, कि वो सारी प्रोविंसेस जहां मुस्लिम मेजोरिटी में होगी वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में चली जाएगी। एंड फाइनली कांग्रेस को ये एक्सेप्ट करना पड़ा और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस पाकिस्तान में चली गई। ओके, तो एक तो पहली बात कि ये बात हो गई, बाकी जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो इंडिया में रह गए। नाउ प्रॉब्लम हम बात करेंगे सेकंड प्रॉब्लम की। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर आप लिखना चाहो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। Now we are going to discuss the second problem. Not a single belt of Muslim majority province were there. बात ये हुई कि भैया province तो ऐसा नहीं था, सिर्फ 3 ही ऐसे British province थे जहां पे Muslim majority में थे जो पाकिस्तान में चला गया। लेकिन India के अंदर कुछ ऐसे भी province थे जहां पे Muslim एक बहुत बड़ी population contain करती थी, और वो स्पेशली कुछ रीजंस थे जिसके बारे में मैं बात करूंगा। वो 3 ऐसे इंडिया के अंदर प्रोविंस थे जिस प्रोविंस में मुस्लिम मेजोरिटी में नहीं थे मगर मुस्लिम हायर अमाउंट में थे, या फिर आप कह सकते हो कि क्लोजली 50% में थे। वो 3 प्रोविंसेस जो थे वो थे, फर्स्ट वन थे असम, सेकेंड पंजाब और थर्ड बंगाल। नाउ प्रॉब्लम यहां पे आ गई, सेकेंड प्रॉब्लम और तो सेकेंड चैलेंजेस जो हमारे देश के लीडर्स के सामने थी, कि मुस्लिम लीग वाज फोर्सिंग कि वो सारे प्रोविंसेस के वो सारे रीजन
जो सारे रीजन एक प्रोविंस, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक प्रोविंस है और एक इम्पॉर्टेंट रीजन मान लो हिंदूज हैं और दूसरा ऐसा रीजन उसी प्रोविंस के अंदर है जहां पे मुस्लिम्स हायर अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन और सिंगली कॉन्सेंट्रेटेड है, उन्हें भी उस एरिया को भी इस एरिया को भी बाइफर्केट करके इससे प्रोविंस को निकाल देना है। तो ये लीड टू द, अब ये जो प्रॉब्लम आई सिंगल बेल्ट और मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस नहीं थे, नाउ ये प्रॉब्लम आ जाती है बाइफर्केशन ऑफ द प्रोविंसेस इनटू स्मॉलर रीजन। ये डिसाइड किया गया कि जो भी एरिया ऐसे हैं उनको भी पाकिस्तान के अंदर डाल देना है, एंड फाइनली ये भी हुआ। जैसा आप जानते हो असम का रीजन और बंगाल के कुछ रीजन्स को मिला करके पाकिस्तान को कंस्टिट्यूट किया गया। पाकिस्तान जब बॉर्न हुआ तो पाकिस्तान एक नहीं था, पाकिस्तान दो बने, एक बना वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा बना ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में ऑलरेडी तीन प्रोविंसेस आ चुके थे, सिंध, बलूचिस्तान और थर्ड प्रोविंस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो मुस्लिम लीग की सेकेंड डिमांड थी कि वो सारे रीजन को बाइफर्केट करके पाकिस्तान के अंदर असेंबल किया जाए जहां पे मुस्लिम एक साइजेबल कॉन्सेंट्रेशन में है। तो बंगाल असम मिला करके एक अलग से पाकिस्तान, क्योंकि एक सिंगल बेल्ट नहीं थी तो एक अलग कर दिया गया। कुछ इसी सेकंड प्रॉब्लम के अंदर कुछ ऐसे थे जो ईस्टर्न साइड में वेस्ट बंगाल या बंगाल, आज जो वेस्ट बंगाल है, बंगाल में पाकिस्तान मुस्लिम बहुत ज्यादा मेजोरिटी में थे, उसे ईस्ट पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया गया, जो 1971 में जा करके बांग्लादेश बना, जो 1971 में बांग्लादेश बना। जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस हो करके या फ्रीडम ले करके 1971 में एक सेपरेट कंट्री बनी बांग्लादेश, 1971 से पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और ईस्ट पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में था, क्योंकि 1947 में यह डिसाइड किया गया था कि उस बंगाल की जो ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल है, उसे हम ले जाएंगे। इसीलिए आज भी हमारे वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल है, क्योंकि उस समय ये रीजन वेस्ट बंगाल हो गया और ये रीजन ईस्ट बंगाल कहलाया जाने लगा। ठीक है, इसलिए अभी तक हमारे देश का हमारे स्टेट का नाम वेस्ट बंगाल है, जो है तो ईस्ट में लेकिन नाम है वेस्ट, जिसे ममता बनर्जी ने एक रेजोल्यूशन ला करके इस नाम को चेंज करने की भी बात अभी रिसेंटली करी है। देखते हैं पार्लियामेंट अगर एक्सेप्ट करता है तो इसका नाम चेंज हो करके बंगाल बांग्ला हो जाएगा। खैर आते हैं इसमें, तो ये कुछ हुआ कि भैया प्रोविंसेस। नाउ जो थर्ड प्रॉब्लम थी कि वो सारे रीजन जहाँ पर प्रोविंसेस हैं उनको स्मॉलर रीजन्स और स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट में बाइफर्केट करके पाकिस्तान के साथ असेंबल कर दिया जाए, उसमें था पंजाब। पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे और एक ऐसा रीजन था, छोटे छोटे रीजन्स साथ में, जो डिमांड की गई कि इस पर पंजाब को भी पाकिस्तान के अंदर डाल दिया जाए, वो सारे रीजन को उस प्रोविंस से अलग करके पाकिस्तान के अंदर डाल दिया जाए। और सिमिलरली आप जानते हो कि पंजाब का भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन पाकिस्तान में चला गया, जिसकी वजह से गुरु नानक देव जी जहाँ पे जन्म लिए थे करतारपुर साहिब, और वो भी एरिया पंजाब से अलग होकर के पाकिस्तान के साथ चला गया, करेक्ट। और ये भी अभी पाकिस्तान करतारपुर सिख कॉरिडोर इमरान खान ने प्रपोज किया, इंडिया ने एक्सेप्ट भी किया और ये एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है बहुत ही रिसेंटली, क्योंकि उनके नेक्स्ट 550th बर्थडे पे ये कंप्लीट हो जाएगा और इंडिया और पाकिस्तान में जो भी सिख लोग हैं वो इसको आराम से विजिट कर पाएंगे। सो दैट इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। खैर उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। नॉर्थ पंजाब, तो ये
कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको सॉर्ट आउट किया गया. नाउ दिस ऑल थ्री प्रॉब्लम्स लेड टू द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ 1947, दैट इज द कंडीशन ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड. ओके, देखो पार्टीशन हो गया, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, पार्टीशंस कभी बाउंड्रीज का नहीं होता. हमारे देश में या कहीं पर भी कभी भी पार्टीशंस अगर होता है तो पार्टीशन सिर्फ टेरिटरीज, बाउंड्रीज, घरों का, इन सभी चीजों का नहीं होता है. पार्टीशन बहुत सारी चीजों का होता है. टेरिटोरियल पार्टीशन होता है, पार्टीशन ऑफ टेरिटरीज होती है, पार्टीशन ऑफ टेरिटरीज. सेकंड वन इज पार्टीशन इंसानों का भी होता है या फिर फैमिलीज का. पार्टीशन ऑफ फैमिलीज. थर्ड वन, अगर दो एक रीजन पार्ट की पार्टीशंस हो रही हैं तो डेफिनेटली वहां की एडमिनिस्ट्रेशन भी या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी पार्टीशंस हो जाती है. तो थर्ड वन इज द पार्टीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस, सरकारी ऑफिसेस, ये सारी चीजों का भी पार्टीशन होता है. एंड फोर्थ वन, पार्टीशन ऑफ पीपल, और पार्टीशन पीपल का भी हो जाता है. नाउ मैंने बोला पार्टीशन ऑफ पीपल, क्यों बोला कि एक अगर आदमी है उसका कैसे पार्टीशन होगा. डेफिनेटली पार्टीशन होगा जो हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट पे, जब हमारे देश के दो हिस्सों बंट गए, वो भी रिलीजियस ग्राउंड पे, कि हिंदू और मुस्लिम. ये एक फीलिंग डेवलप हो गई कम्युनलिज्म की, और जो कंडीशन थी बोथ साइड ऑफ, नाउ फॉर एग्जाम्पल जो सारे मुस्लिम जो इंडिया में थे उन्हें पाकिस्तान जाना था, और जो मुस्लिम जो हिंदू पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान के एरियाज में थे, लाइक सिंध में, बलूचिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, उन सभी को इंडिया आना था क्योंकि बाउंड्री की डिमार्केशन हो रही थी. और 15th ऑफ अगस्त से पहले तक तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा, बट ऐसा हुआ. एंड फाइनली जो कंडीशन थी रिलीजियस माइनॉरिटीज की, मैं बात कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया में माइनॉरिटीज कौन होंगे, मुस्लिम, और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज कौन होंगे, हिंदूज. इन दोनों की कंडीशन इतनी बुरी हो गई कम्युनल वायलेंस के कारण, हजारों लाखों लोग इस स्लॉटर में मारे गए. और यहां से अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आती है तो हम इसी प्रॉब्लम से लीड करते हुए चलेंगे इस वीडियो के, इस चैप्टर के पार्टीशन प्रॉब्लम्स की आखिरी पॉइंट पे, जिसका नाम है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन. दो कॉन्सिक्वेंसेस, ये पार्टीशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, चार प्रॉब्लम्स में हमने हैंडल कर ही ली कैसे कैसे, लेकिन इस प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को या फिर पाकिस्तान को या फिर हमारे इन देश के लोगों को क्या मिला. कॉन्सिक्वेंसेस दो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हुई थी जिसको हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस वॉज कम्युनल वायलेंस. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ह्यूमन स्लॉटर. ह्यूमन स्लॉटर. एंड द सेकेंड वन इज
हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी एज यू नो अनाउंस हो गया, पार्टीशन हो गई, हिंदू मुस्लिम 1940 से नहीं 1924 से लड़े आ रहे हैं आपस में, और ये एक ऐसा टाइम था जहां पे पार्टीशंस की वजह से इस देश से मुस्लिम उस देश में जा रहे थे और उस पाकिस्तान से हिंदू इस देश में आ रहे थे, और यहीं पे शुरू हुआ ये कम्युनल वायलेंस जिसे मैं स्पेशली बोलता हूँ गदर। आपने गदर एक सनी देओल की मूवी आई थी जिसके इनिशियली फिल्म स्टार्ट होते ही ये कम्युनल वायलेंस के बारे में दिखाया गया। जो भी वहां से माइनॉरिटीज ट्रेन से यहाँ पे आ रहे थे उनको जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया, विमेन बच्चों के साथ रेप कर लिया गया, बहुत बुरी हालात थे। और यहाँ से जो भी मुस्लिम वहां जाने के लिए रेडी थे उन्हें यहाँ से ट्रेन से मार मार करके उनकी सिर्फ लाशें पाकिस्तान पहुंची। ये कंडीशन थी 1947 की। दिस वॉज द ब्रूटल मसाकेयर और ह्यूमन स्लॉटर हैपेंड एट दैट टाइम, जो हमारे देश के लिए या किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ट्रेजिक थी। सो दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज विच इंडिया फेस्ड बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम और सेकेंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन वॉज द हॉस्पिटैलिटी। जब वहां से कुछ लोग ट्रेन से आए तो जो हमारे हिंदू भाई बहन थे उनको हमने स्वागत किया खान पान इन सब चीजों से, और जो मुस्लिम थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेटेड वे में व्यवहार किया। क्योंकि ऐसा नहीं था कि सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले गए और सारे हिंदू हिंदुस्तान आ गए। यहाँ पे जितने भी मुस्लिम जो यहाँ रहना चाहते थे उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी वे में बिहेव किया गया। इवन यहाँ पे जो रह रहे हिंदू थे उन्होंने उनको भी फोर्स किया कि पाकिस्तान चले जाओ, अदरवाइज वी आर गोइंग टू किल यू। सेम कंडीशन पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा था, वहां पे भी सेम कंडीशन माइनॉरिटीज की सेम हालात थी। हॉस्पिटैलिटी, जब लोग यहाँ से मुस्लिम वहाँ पे पहुँचते थे उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया जाता था, खिलाया पिलाया जाता था, लेकिन वहाँ पे जो सिख लोग थे, क्योंकि ये टाइम ही बहुत ही ट्रेजिक था, वहाँ पे सिख लोगों को हटा दिया जाता था, उनको खाना पीने के लिए भी नहीं दिया जाता था। सेम कंडीशन यहाँ पे रह रहे मुस्लिमों के साथ था। सो दीज टू हीनियस और द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज विच इंडिया फेस्ड ड्यूरिंग पार्टीशन। एज यू नो कि ब्रिटिशर्स ने बस सीड को सोन किया था, डिवाइड एंड रूल, सिर्फ अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। एंड फाइनली उस सीड की जो कम्युनल डिवाइड थी वो स्टिल आज तक एग्जिस्ट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। इस चैप्टर और इस टॉपिक से बस इतना मैं बताना चाहता हूँ, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। रिलीजियस डिवाइड करके रिलीजियस, ये पॉलिटिकल एक एजेंडा होता है। इलेक्शंस राइट नाउ बहुत ही पास है, पॉलिटिकल टूल की तरफ ब्रिटिशर्स ने भी यूज किया, और आज हमारे देश के पॉलिटिशियंस भी सिर्फ रिलीजन को एज अ टूल की तरह यूज करते हैं टू रूल। वी एज अ स्टूडेंट और वी एज अ पीपल ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, हमें कभी भी इस ट्रैप में नहीं फंसना है। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर ह्यूमन and we have to respect other human। religion बस एक private affair है, but publicly religion को use करना political लोगों का काम है। ये जो consequences थी this is not acceptable at all, not during 1947, not today। So we as a human being have to be very aware about the core of the agenda। So we हमें इस तरह की discrimination से बचना होगा, क्योंकि एक छोटी सी चीज religious divide इतनी बड़ी problem और consequences को lead कर सकता है। उसी तरीके से कोई भी इस तरीके की religious differences एक बहुत बड़े आने वाले टाइम पे
एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, स्टिल कर भी रहा है हमारी सोसाइटी में। सो वी हमें थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा सभी चीजों को प्रिसाइजली कि what was happened and right now what is going on। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये चैप्टर पूरा समझ में आया, आप इसे शेयर करो, लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि ये चैप्टर जो भी उनके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं तो उनको भी हेल्प होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।